लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं. दीज आर बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स जिसमें परसेंटेज का हम यूज़ कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि परसेंटेज को यूज़ कैसे किया जाता है. ठीक है, लेट्स टेक दिस. राकेश इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ रोहन इनकम. नेक्स्ट, what percentage is Rohan's income less than Rakesh's income. अच्छा, पंत के स्कूल में क्या चल रहा है ये बच्चे करो जब तक आप लोग. पंत, आपके स्कूल में क्या चल रहा है अभी? मेंसुरेशन. अरे तो फिर तो मास्टर हो गए होगे तुम मेंसुरेशन में. हाँ पन, यस सर, स्कूल में मेंसुरेशन अभी कर रहे, तो तुम मास्टर होके आंसर दे रहे होगे. दे रहे हो ना आंसर? यस सर. टीचर शॉक नहीं हो गई आपकी? तो पता नहीं, आंसर तो दे रहा हूँ रोज. दे रहे हो और सही आंसर जा रहे हैं एकदम? यस सर. तो टीचर ऐसे शॉक नहीं हो गए कि पन तुम कैसे आंसर दे रहे हो, तुमने कहाँ पढ़ लिया, ऐसा नहीं बोल रही है टीचर? नहीं बोलेंगे. देखना तुम ऐसे जबरदस्त तरीके से तुम आंसर देना, ठीक है ना? यस सर. सबसे पहले तुम्हारी तरफ से आंसर जाना चाहिए, ठीक है? मेंसुरेशन मैंने तुमको 10th तक का पढ़ा दिया है, ठीक है ना? 10th तक का. तो 8th वाला तो तुमको स्कूल में कैसा फील हो रहा है? आसान लगता है? यस सर. ऐसे नहीं लगता चुन्नु मुन्नु, ये तो अरे ओरली आंसर आ जाता है इसका तो. है देखो, आपको अच्छा फील होना चाहिए पंत. माय क्वेश्चन इज यू शुड फील बेटर, है ना? Yes. अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है आपको, कुछ फायदा हो रहा है पढ़ने का? हाँ पंत. यस सर, हो रहा है सर. या ऐसा तो नहीं हो रहा है, देखो मुझे प्रॉपर फीडबैक दो आप. ऐसा तो नहीं हो रहा है कि स्कूल में कुछ और ही पढ़ रहे हैं, हमने कुछ और पढ़ा मेंसुरेशन में, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं. ऐसा नहीं है. स्कूल में क्या क्या पढ़ा अभी आपने मेंसुरेशन में? सर अभी तो स्टार्ट ही हुआ. हाँ अच्छा, IIT आश्रम पे आपने पूरा मेंसुरेशन का क्लासेस अटेंड किया? यस सर, किया था. सारा अच्छे से किया था? सारा अच्छे से समझा था? यस सर. ठीक है, सारा अच्छे से किया, सारा अच्छे से समझा, तो स्कूल में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा. चलिए ठीक है बेटा, करो अच्छे से करो, ठीक है ना? अब मेंसुरेशन करो स्कूल में अच्छे से, और पैरेलली ये चैप्टर यहाँ पे भी करो अब, ठीक है ना? तो जब ये स्कूल में चलेगा, परसेंटेज चल गया स्कूल में? नहीं सर, वो अभी नहीं चला. बस तो जब परसेंटेज स्कूल में चलेगा ना, इतना मज़ा आएगा तुमको. बाकी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है ये, ठीक है ना? तो इसको ध्यान से समझो आप. यस, क्या लिखा है? राकेश इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ रोहन इनकम. व्हाट परसेंट इज रोहन इनकम लेस देन राकेश? ठीक है सर, व्हेन वी फाइंड राकेश इनकम एंड देन वी फाइंड रोहन इनकम, सो वी हैव टू टेक राकेश इनकम एज 100 एंड देन माइनस इट. हाँ देखो मैं बता रहा हूँ क्या क्या क्यों लेना पड़ता है, सब रीजन है उसके पीछे. राकेश इनकम इज 25 मोर देन रोहन, तो रोहन के कंपैरिजन में राकेश का 25 ज्यादा है. तो रोहन अगर 100 है तो राकेश कितना होगा? 125. बिल्कुल, इसका 25 ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, उसको बेस ले रोहन. ठीक है, अब उसने क्या बोला, व्हाट परसेंट इज रोहन इनकम, रोहन की इनकम कितनी होगी अब अगर राकेश की इनकम, ठीक है ना? व्हाट परसेंट इज रोहन इनकम लेस देन राकेश. अब राकेश के कंपैरिजन में रोहन कितना कम होगा, तो राकेश को 100 लेना पड़ेगा. ये समझ गए आप? दूसरी स्टेटमेंट ने बोला, देखो yes, पहली स्टेटमेंट ने क्या बोला, राकेश की 25% ज्यादा है रोहन से, तो रोहन से, तो रोहन को 100 ले लिया, राकेश को 125 ले लिया. फिर उसने बोला व्हाट परसेंट इज रोहन इनकम लेस देन राकेश, राकेश से कितनी रोहन की कम है, तो राकेश से, मतलब राकेश इज द बेस नाउ, एंड व्हाट इज रोहन इन टर्म्स ऑफ दैट यू नीड टू फाइंड. तो क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. यस, 100 इनटू 100 इज इक्वल टू 125 इनटू x. 25 5 जा, 25 4 जा, 5 1 जा, 5 20 जा, तो x आ जाएगा 80. क्या जाएगा सर, आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? हां, क्या समझाऊं, कैलकुलेशन समझाऊं क्या?
सर आपने, मैंने बताऊँ कैसे किया, पहले मैंने राकेश की इनकम निकाली 125x/100, फिर रोहन की इनकम निकाली 75x/100, तो मैंने ऐसे किया, तो मुझे समझ में नहीं आया। ये किसने सिखाया 75/100 करना है? ऐसा तो मैंने सिखाया ही नहीं ना। देखो सर मैंने 25 माइनस कर दिया 100 में से, तो वो ऐसा करा। मैंने आपको हमेशा क्या बताया है? इसने ऐसा कहाँ लिखा है 25% लेस, ऐसा लिखा है क्या? सर पर वो मोर है, तो अगर रोहन की इनकम निकालेंगे मोर, तो वो फिर गलती 100 की आपने, कंपेयर में और सर लेस ही आएगी गलत। ना। मोर तो 100 से ज्यादा, 100 से कम थोड़ी दिया है आपने। देखो इसने नहीं बोला सर, 25% बट मोर रोहन देन। राकेश की 25% ज्यादा है, अगर हम राकेश को 100 लेंगे तो रोहन में से 25 माइनस तो करना पड़ेगा ना। तो ये गलत हो गया ना। कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? किसी का भी परसेंटेज दिया है, किसके रिस्पेक्ट में दिया है उसको 100 लेते हैं। अब इसने बोला राकेश इज 25% मोर, तो आपने 100 रोहन को लिया, तो ये गलत हो गया ना। देखो आपने क्या किया, राकेश इज 25% मोर देन रोहन, तो आपने राकेश को ही 100 लिया और उसी को 25% यूज किया। यू गेट माई पॉइंट? हमें जब भी परसेंटेज करना है, देखो एल 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 से अगेन, राकेश इनकम इज 25% मोर देन, तो मोर देन मतलब ये कंपेयर हो रहा है किसी के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में कंपेयर हो रहा है उसको बेस लेना है, राकेश को बेस नहीं ले सकते आप। इज इट क्लियर? जो सबसे पहला हमने स्टेटमेंट पढ़ा था वो यही पढ़ा था, हमेशा बेस 100 लेते हैं। अब कोई इससे ज्यादा होगा, कोई इससे कम होगा, ठीक है? अब राकेश इज 25% मोर देन समवन, तो वो समवन 100% होगा। आप राकेश को 100 लेके सामने वाले को 75 नहीं ले सकते। इज इट क्लियर? उस केस में इसको देना पड़ेगा कि रोहन इज 25% लेस देन राकेश, तो हम रोहन 75 को ले सकते हैं, राकेश 100 ले सकते हैं। लेस देन समवन, तो जो समवन है वो हमेशा बेस होगा। इज इट क्लियर? बच्चे यही कॉन्सेप्चुअल गलती करते हैं, मैंने शुरुआत में बताया था, वापस से बता रहा हूँ। देखो स्टेटमेंट्स को कैसे मैं इन्फर कर रहा हूँ, दिस इज मैथमेटिकल इंग्लिश, मैथमेटिक्स में लिखा हुआ ये है ना, जो हमें कन्वे कर रहा है। हमें क्या करना है, इसको डिसाइफर करना है। सो व्हाट यू विल से इज राकेश इनकम इज 25% मोर देन रोहन, मोर देन होम दिस, सो दिस बेस, सो दिस इज 100, सो दिस 25% मोर, सो दिस बिकम्स 125। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ रोहन इनकम है ना, व्हाट परसेंट इज रोहन इनकम लेस देन, लेस देन, जैसे लेस देन आ गया फिर ये बेस हो गया 100, और ये कितना है हमें वो निकालना है एक्स। इज इट क्लियर? आपने अगर ऊपर वाला क्वेश्चन देखा तो मैंने ये भी ऐसे किया था, रानीज वेट इज 25% दैट ऑफ मीनाज वेट, तो मीना 100 लिया गया। लिखा आपको, समझ पा रहे हो? फिर देखो, एंड 40% दैट ऑफ ताराज वेट, ऑफ ताराज वेट, ऑफ तारा, तो अब तारा 100 हो गई यहाँ पे। देखो लिख रहा है, जब मैंने दूसरा कंपैरिजन लिया है तारा को मैंने 100 लिया हुआ है, ठीक है? इज इट क्लियर? आई थिंक किसी का शायद नेट थोड़ा सा इशू है, वेनिया का आई थिंक नेट इशू है। वेनिया एक बार देखो नेट बेटा, आपका थोड़ा सा स्लो है आई थिंक। ओके चले आगे, आई थिंक दिस मच इज क्लियर। When you always take off that as 100% base, उसको लेते हैं। Okay, चलिए, we'll take one more question. सबको समझ आ गया? आ जाओ, let's take down next question. मेरे साथ रहो, आ जाओ। अब इसने क्या बोला? What percent of Rohan income is less than Rakesh? तो Rakesh अगर 100 है और ये 80 है, तो कितना कम है? 20% less. चले, एक और question ले ले क्या? मेरी आवाज clear है सबको या अटक रही है? हेलो सर, दिस इज क्रैकिंग सर, क्लियर है? क्लियर है? देखो आप लोग अपने आप को अनम्यूट रख के मुझे बताते रहो अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं यस आ सर, रही। मैं लिख रही थी इसलिए मैं नहीं बता पा। सर क्लियर है? क्लियर है वैनिया, आई थिंक आपके यहाँ नेट का इशू है बेटा, एक बार चेक करो आप, वही मैं बोल रहा हूँ। देखो लेट्स सी नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ शुगर, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ शुगर, नीति को समझ आ गया? यस सर। Goes up by, निधि आपने आंसर निकाल लिया था? हाँ सर। ओके, प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 20%, ओके, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउसवाइफ
must a housewife reduce her consumption reduce her consumption पंथ को समझ आ रहा है yes sir so that the expenditure so that the expenditure does not increase देखो ये तो रियल लाइफ प्रॉब्लम है हुआ क्या है शुगर का रेट बढ़ गया है वो लोग क्या कर रहे हैं अपना फैमिली एक्सपेंडिचर मेंटेन रखने के लिए कंजम्पशन ऑफ शुगर कम कर रहे हैं तो आपसे यही पूछ रहा है कि शुगर का कंजम्पशन कितना परसेंट कम करना चाहिए ताकि घर जो कॉस्टिंग है घर का जो बोल सकते ना बजट है कितने में हमें घर चलाना है वो फिक्स रहे वो बदलना नहीं चाहिए कशिश को सब समझ आ रहा है कशिश कशिश मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको यस 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 बेटा नीति सर 50/3 या करेक्ट 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 एकदम परफेक्ट देखिए कैसे करेंगे सुनो प्राइस ऑफ अ शुगर गोज बाय 20% गोज अप बाय 20% सो इफ इट वाज प्रीवियसली 100 नाउ इट इज 120% अब बच्चों के माइंड में डाउट हो सकता है सर अभी को अगर 100% ले तो क्या 80% लिया जा सकता है नहीं दैट्स रॉन्ग That understanding is completely incorrect. Price of sugar goes up with respect to what? So with respect is always taken as 100. So previously the cost was 100%. Now it has become 120%. By how much a housewife reduce her consumption? तो उसको अपना consumption कितना कम करना चाहिए? तो पहले अगर 100 है, तो कम करके कुछ x कर लो आप consumption. ठीक है? So this is your consumption. अब मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे हम cross multiply करेंगे? नहीं, cross multiply नहीं करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्यों बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स्ड होनी चाहिए मतलब कंजम्पशन ओके इनटू कॉस्ट पर केजी दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ शुगर तो अगर आपने कंजम्पशन बढ़ाया तो कॉस्ट कंजम्पशन ये से समझो आप अगर आपकी शुगर की प्राइस बढ़ गई आपने कंजम्पशन कम कर दिया तो टोटल कॉस्ट फिक्स हो गई भाई पहले शुगर 10 रुपए किलो मिलती थी आप 3 केजी खाते थे ठीक है तो 30 रुपीज पूरा बजट हो गया शुगर के ऊपर अब शुगर की प्राइस हो गई 15 ठीक है तो कॉस्ट बढ़ गई लेकिन अगर आपने कंजम्पशन बढ़ा दिया तो फिक्स नहीं रहेगा ना तो आपने कंजम्पशन को घटाया 15 × 2 किलो तो 30 रुपए तो अब आपका ये फिक्स कब होगा जब ये बढ़ रहा है मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन घटेगा सो दिस इज इंक्रीजिंग दिस इज डिक्रीजिंग तो ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है इनवर्स वेरिएशन है क्या आपको समझ आ गया इसीलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते इस केसेस में हम क्या करते हैं हम बोलते हैं कि पहले कॉस्ट 100 थी अभी कंजम्पशन 100 है तो कॉस्ट इनटू कंजम्पशन शुड गिव यू द फिक्स्ड टोटल कॉस्ट और ये 120 इनटू एक्स हो जाएगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू 1000/12 तो अब मैं क्या करूँगा 4 से कट कर दूंगा इसको तो कितना आ जाएगा 3 और 1000 में आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 4 2 8 और 20 आ जाएगा 5 और 0 सो 250/3 इज नथिंग बट व्हाट इज नाउ कंजम्पशन 250/3 अच्छा तो सर कंजम्पशन 250/3 है तो कितने से घटाया होगा तो घटाया कितने से होगा तो 100 पहले था अभी 250/3 है सारा परसेंटेज नहीं चल रहा हम बोल सकते 50/3% कंजम्पशन घट गया 50/3 इज अ रिडक्शन इन द कंजम्पशन इज इट क्लियर क्या समझ आ गया आपको यस ठीक है श्योर यस सर क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ कहाँ कहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ सब कुछ क्लियर है ना
लिख लो ठीक है ना, पूरा परसेंटेज अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही है चैप्टर, ठीक है, इसमें कोई हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, यू विल ओनली सर तो हमको ऐसा कैसे से पता चलेगा कि हमको यूनिटरी मेथड उस टाइम पे यूज नहीं करनी है और उस टाइम पे यूज करनी है? बताया ना मैंने आपको, यूनिटरी मेथड हम तभी यूज करेंगे जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा। डायरेक्ट मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी को भी बढ़ना है, बट यहाँ पे तो कॉस्ट बढ़ रहा है कंजम्पशन घट रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है कंजम्पशन। अगर सर दोनों घट रही होंगी तो हम यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं, अगर दोनों बढ़ रही होंगी तो यूज कर सकते हैं। यस, पर एक बढ़ रहा है घट रहा होगा तो यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है? यस वो चले आगे, क्या नोट डाउन कर लिया बच्चों ने इसको? सर ये जो आपने लास्ट स्टेप किया तो उस वक्त मैं रीव को हो गई थी, तो मुझे समझ आया ये लास्ट स्टेप आपने कैसे किया। ये 250 बाय 3 तक समझ आ गया वैनिया? वैनिया 250 बाय यस सर। देखो उसके बाद हमने क्या बोला, हमने बोला पहले 100 था, अभी 250 बाय 3 हो गया, कंजम्पशन 100 से 250 बाय 3 हुआ, तो कितना घट गया, सबट्रैक्ट कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा 50 बाय 3%। यस सर, ठीक है ना? यस सर। चलिए लेट्स फॉर द मूव ऑन नेक्स्ट। अ नंबर इज इंक्रीज, देखो और कॉन्सेप्ट आपका अच्छा क्रिस्टल क्लियर होगा। अ नंबर इज इंक्रीज, number is increased by 10% and then decreased by 10%. A number is increased by 10% and then decreased by 10%. Find net increase or decrease in the percentage. Find net increase and net increase or decrease in the percentage. तो बच्चों का आंसर डायरेक्टली जीरो होता है कि सर 10% बढ़ाया फिर 10% घटा दिया आपने तो जीरो हो गया, है ना? यस और नो? नो सर, हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है चलिए फाइंड आउट कर लो, आप मेरे लिए बताओ क्या होगा। वन बाय टेन चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे, आ जाओ देखते हैं। लेट्स सी, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर, आ जाओ लेट्स सी। पहले देखो क्या क्या, नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, सो ओल्ड नंबर एंड न्यू नंबर। नाउ द ओल्ड नंबर वाज 100, इट्स इंक्रीज बाय 10%, तो अभी कितना रहा होगा? 110। यस, और ये आ जाएगा लेटेस्ट, इसको कर देते हैं हम लेटेस्ट, ठीक है ना? अब हुआ क्या, अब लेटेस्ट नंबर हमें बताना है नेट, नेट मतलब पुराने के रिस्पेक्ट में इसकी क्या सिचुएशन है आपको वो बतानी है। तो वो बताने के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा कि भाई देन डिक्रीज्ड बाय 10%, फिर आपने 10% घटा दिया, तो किसके रिस्पेक्ट में 10% घटाया? तो भाई नया वाला जो था उसको मैं 100 मानता हूँ और उसको घटा के कितना कर दिया, 90 कर दिया हमने। यस, इज इट क्लियर? समझ में नहीं आया, छोड़ो इसको, मैं इस मेथड से समझते, इसको गोली मारो, हटाओ और एक मेथड देखते। चलो मान लो मेरे पास 100 रुपए, कितने रुपए मेरे पास? 100 रुपीज आया, ठीक है?
अब मेरे को 10% रुपीज मिले, मेरे पास इतने पैसे थे, 10% आई हैव गॉट मोर, तो आई हैड 100 रुपीज, ओके, नाउ हाउ मच वुड आई हैव? 110, 110 इज व्हाट आई हैव नाउ, इज नाउ आई हैव, नाउ देन डिक्रीज बाय 10%, सो इफ आई हैव 110 व्हिच विल बी कोरिस्पोंडिंग टू 100, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू मी देयर इज अ 10% का डिक्रीज, सो 90 वुड बी हाउ मच? यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अभी कितना हो गया, 90 × 110 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू एक्स, तो कितना हो गया, 99 हो गया, ठीक है, तो 100 का 10% बढ़ाया आपने, तो हो गया 110, फिर 110 का आपने 10% घटाया, 10% डिक्रीज किया, तो कितना हो गया, 99 हो गया, तो नेट अगर देखें तो क्या हुआ, नेट क्या हुआ, नेट क्या हुआ, 1% डिक्रीज हुआ, नेट कितना हुआ डिक्रीज, 1% डिक्रीज हुआ, क्या ये चीज क्लियर है सबको? यस, अंडरस्टूड? यस, ठीक है, नोट कर लो इसको, 10% बढ़ाया, 110 किया, फिर 110 का 10% घटाया, तो 10% ऑफ 110 कितना होता है, 11 होता है, तो उतना घटाया, तो अब 99 हो गया, अब 99 है और पहले शुरू सर, बट हमको हर केस में समझना पड़ रहा है, तो फिर हम एग्जाम के टाइम पे कैसे समझ पाएंगे कि अब हमको ये इसके रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा? नहीं नहीं स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन का रीड करो, आप देखो क्या लिखा है, नंबर इज इंक्रीज, सर पर मैंने ऐसा लिखा था पहले कि 100 रुपीज ओल्ड वाले थे इंक्रीज वाले में, फिर 110 हो गए, फिर जो ओल्ड रुपीज थे वो डिक्रीज वाले में 100 थे और अब 90 रुपीज हो गए। नहीं नहीं इसने ऐसा नहीं बोला ना, उसने स्टेट इंग्लिश, देखो यही तो क्वेश्चन गेम जो खेलेगा इंग्लिश का ही गेम है, मैथमेटिकल इंग्लिश है, अब इसमें क्या बोला, देन डिक्रीज्ड बाय 10%, तो एक बार बढ़ाने के बाद जब घटा रहे हैं तो नई अमाउंट को घटा रहे हैं ना, पुराने को थोड़ी घटा रहे हैं, अगर पुराने को घटाना होता तो बोलता नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड दैट ओल्ड नंबर इज ओनली डिक्रीज्ड बाय 10%। प्रोफेसर अगर उस 110 को हमने 10% से डिक्रीज किया तो आपने फिर नीचे डायरेक्ट 90 क्यों लिखा था? देखो अब जो मेरे पास नई अमाउंट है वो 110 है, Yes. को 10% से डिक्रीज करना है, तो 10% मतलब क्या, जब ये 100% रही होगी, ये रुपीस है, दिस इज नॉट परसेंटेज नाउ, दिस इज 90%, तो ये निकालना पड़ेगा ना 90% कितना होगा इसका, आप समझे कि नहीं, 110 का 10% कम 100 नहीं होता है, 110 का 10% कम 99 होता है, 100 का 10% कम 90 होता है, आई रिपीट, 100 को अगर 10% डिक्रीज करेंगे तो सीधा 90 लिख सकते हैं, और 10% अगर इंक्रीज करते हैं तो सीधा 110 लिख सकते हैं, लेकिन कोई और नंबर को नहीं लिख सकते आप ऐसे, आप समझ गए मेरी बात, भाई 50% है उसको अगर 10% डिक्रीज करा तो 40% डायरेक्टली थोड़ी ना हम लिख सकते हैं, 50 रुपीज़ है मान लो, 50 रुपीज़, ठीक है, 50 रुपीज़ एक क्वान्टिटी है, उसका 10% घटा दिया तो रुपीज 40 डायरेक्टली थोड़ी ना लिख सकते हो आप, यू गॉट माय पॉइंट? यस, 100 को बढ़ाया 100 को घटाया, परसेंटेज मतलब 100 से डील कर रहे हैं, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, तो नंबर अगर 100 है तो अभी 140 होगा, अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%, तो अगर 100 है तो अभी 90 होगा, 110 को अगर 10% से घटाया तो वो निकालना पड़ेगा 100 के रिस्पेक्ट में, आप समझे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, yes. 110 is decreased by 10%, तो ये 100 थोड़ी ना होता है, wrong, 110 is decreased by 10%, तो वो निकालना पड़ेगा, कैसे निकालूंगा भाई, 100 होता तो 90 हो जाता, तो 110 अब कितना होगा घट के, got my point, and you need to find out that, okay, clear है, कोई भी doubt, yes sir, तीन बार चार बार पूछो लेकिन concept clarity करो आप, ठीक है, चलो लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर हैज बीन इंक्रीज्ड बाय, हैज बीन इंक्रीज्ड बाय
the salary of an officer has been increased by 50% by what percent the new salary must be reduced by what percent the new salary must be reduced by what percentage the new salary must be reduced to restore the original salary. क्या बोलना चाह रहा है, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, तो एक ऑफिसर की सैलरी 50% हमने बढ़ा दी है, ठीक है ना, तो उसकी जो नई सैलरी है उसको कितना घटाऊंगा तो पुरानी सैलरी वापस उसको मिलेगी, मतलब प्रमोशन एंड देन डिमोशन. सर 200 बाय 3 200 बाय 3 दैट्स नो 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 थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है. देखो इसके बाद अब आप लोग DPP-1 इसका कर सकते हैं, जिनका काम कंप्लीट हो गया है, यू कैन गो विद DPP-1 फॉर सॉल्विंग, ओके? यस. परसेंटेज एंड एप्लीकेशन का. सर मुझे अलग समझ में नहीं आया. अभी तो मैंने बेटा बताया था, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना. देखो देखो तो ऑफिसर का सैलरी कितना हो गया, इंक्रीज बाय 50%. तो मान लो पहले उसको 100 रुपए देते थे, ठीक है, अभी कितना देंगे? 150. ये यूनिटरी से किया भाई, 100 रुपए को ही मैंने 100% गिना, 50% बढ़ा दिया गया तो 150% हो गया. तो अगर ये एक्स ढूंढोगे आप तो 150 रुपीज ही आ जाएगा, ठीक है, ओके. तो जो न्यू सैलरी है इसका वो कितना हो गया, अभी 150 रुपए हो गया. कितना हो गया वो, 150 रुपए. अब वो बोल रहा है कि ये नई सैलरी को कितना मैं घटाऊंगा, तो उसको पुरानी सैलरी मिलनी चाहिए. तो भाई इसको घटा के पुरानी सैलरी कितनी, 100 है, यस और नो? क्या ये स्टेप तक क्लियर है? उसकी सैलरी 150 रुपये हो गई है, अब उसको घटा के मुझे 100 करना है, तो कितना परसेंट घटाऊं? तो भाई कितना परसेंट घटाऊं, मतलब ये 100% है तो कितना घटाना पड़ेगा, निकाल लोगे क्वेश्चन मार्क करके? यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या जाएगा, 100 × 100 इज इक्वल्स टू 150 × x. 0 से 0 कट गया, 5 × 3 = 5 × 2 = 200/3, कितना जाएगा x. तो 200/3 अब इसका नेट सैलरी हो गया है रुपीज, सॉरी 200/3 नेट परसेंटेज हो गया है. एक सेकंड, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत ध्यान से समझना. 100 रुपए सैलरी थी, 50% बढ़ाई तो 150 हो गई. अब 150 सैलरी थी तो घटा के 100 करनी है, तो अगर 100% है तो कितना परसेंट हो गया, 200/3% हो गया. इज इट क्लियर? तो अभी जो इसकी सैलरी है वो 200/3% है, तो कितनी घटी होगी बेटा, तो 100 - 200/3 करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए ना भाई. 100% थी और यहाँ पे मान लो आंसर आता 75%, तो कितनी परसेंट डिक्रीज हुई, 25% डिक्रीज बोलते ना. तो उसी तरीके से अभी हमारा आंसर आया 200/3, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 100 - 200/3 विच इज 100/3%. क्या ये क्लियर है? तो 100/3% सैलरी डिक्रीज करनी पड़ेगी उसको. इज इट क्लियर? बताओ समझ आया कि नहीं आया, वरना मैं फिर से एक्सप्लेन करूं. प्लीज लेट मी नो. अंडरस्टूड. सारे बच्चों ने समझ लिया, कशिश, वानिया, पंत, नीति का तो आंसर ही आ गया था, है ना? फिर से देखो, जिन जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है? प्रॉब्ली ये लास्ट क्वेश्चन है आज का.
The salary of an officer has been increased by 50%. By what percentage the new salary must be reduced to restore the original salary? So originally, let's say it's 100 rupees. If and that is compared to 100%, 50% bada, to 150 ho gayi ab nayi salary uski. अब 150 नई सैलरी है तो घटा के उसको 100 करना है, पुरानी सैलरी के बराबर लेके आना है। तो परसेंटेज में कितना घटाना चाहिए, तो परसेंटेज में कितना घटाना चाहिए के लिए आपको अभी का जो उसका करंट सैलरी है उसको 100% मानना पड़ेगा और नया सैलरी परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। वो आपने निकाल लिया तो आ गया 200/3% इज द करंट सैलरी। तो कितना डिक्रीज हुआ होगा 100 से 200/3 में, तो 100 - 200/3 कर लूंगा, विच विल बी 100/3। तो जो करंट सैलरी है उसका वो हमें 100/3% से घटाना पड़ेगा टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। इज इट क्लियर? ठीक है, आई थिंक सबको समझ आ रहा है ना? ठीक है, मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, देन विल कंक्लूड द क्लास। देखो, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। एंड ब्रेथ इज अ ब्रेथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 10%। लेंथ जो है वो 10% से बढ़ाई गई है, ब्रेथ जो है वो 10% से घटाई गई है, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन एरिया, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया बताना है आपको। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया, चलिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन एरिया। सर 101%। सर 101%। हाँ सर, 101% इतना एरिया बढ़ गया। चलो लेट्स सी कैसे करेंगे। देखो सर इतना कम हुआ। अच्छा ठीक है, देखो आ जाओ, 100% तो चीज होती है, 101% कैसे घट सकता है, नेगेटिव हो गया क्या? हाँ लेट्स सी, आ जाओ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%। तो मैं बोल सकता हूँ लेंथ अगर पहले 100 थी तो अभी 110 हो गई, ब्रेथ पहले 100 थी तो अभी 90 हो गई, एरिया कितना हो गया 10^4 है ना, और इसका एरिया कितना हो गया 99 × 10^2 है ना। 99 क्यों, 90 सर बराबर है 99, सही है ना, 99 ही तो होगा ना। कैसे? यस और नो नाजरा? ओके सर, अंडरस्टूड ना। अब मुझे एक चीज बताओ, ये ओल्ड एरिया है, ये नया एरिया है, ठीक है ना, तो कितना परसेंट एरिया बढ़ा या घटा कैसे बताओगे? जब ओल्ड 100% होगा तो नया बताना पड़ेगा ना कितना, उसके रिस्पेक्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं x को, x into 10^4 is 100 into 99 into 10^2, खत्म खत्म, x आ जाएगा 99%, तो कितना परसेंट हुआ, 1% डिक्रीज हो गया। इज इट क्लियर? अच्छा यस सर। ठीक है ना, चलिए आज की क्लास में यहीं पे कंक्लूड करते हैं। Thank you for being there. We'll see you next time. Bye bye. Take care. Bye. Sir, thank you, sir. Bye bye, beta. Bye bye. Bye bye. Bye bye.